आज के ब्लॉग के लिए जा रहे हैं हम इंदिरापुरम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग के लिए जा रहे हैं हम वृंदावन, और अभी हम निकल चुके हैं उज्जैन से। अभी थोड़ा रुके थे कि कुछ खा पी लें रास्ते में और फिर कंटिन्यू करेंगे। अभी पीछे आपको दिख रहा होगा हमने इस ढाबे से अभी खाना खाया है, और अब हम यहाँ से निकलेंगे। आज तो हम पहुँच नहीं पाएंगे वृंदावन, तो जितना भी रात होने से पहले पहुँच पाएंगे वहाँ पर रुक के स्टे करेंगे, और फिर अगले दिन सुबह वृंदावन के लिए निकल जाएंगे, और कल करेंगे वृंदावन में दर्शन। बीच में ना गाइस हमने स्टे कर लिया था, क्योंकि ना बहुत रात हो चुकी थी और सामने से ना लाइट बहुत पड़ रही थी। तो अभी हमें वृंदावन से 3-4 घंटे दूर, तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और वापस कंटिन्यू कर रहे हैं अपना वृंदावन टूर। यमुना जी रोड तक आ गई बहते हुए। अब बोटिंग रोड पे हो रही है, रोड पे पूरा ऊपर तक आ गया। उसने देखो वो नहा रहे पीछे, पूरे डूब गए। यमुना जी पूरी ऊपर तक आ रखी। कह रहे वायरल कर देना वीडियो, वायरल कर देना। बेटे देख रहे हो पूरा एकदम लेवल पे है पानी। पूरे रास्ते ऐसे हो रखे हैं यहाँ तो वृंदावन के। हम निधिवन आ गए हैं, और यहाँ से मेन एंट्री है, बंदरों से बच के रहना पड़ेगा। फ़ोन चश्मा सब ले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी रिस्क ले रहा हूँ मैं, लेना जाए बस। देखो यहाँ से मेन एंट्री है निधिवन की, और अब अंदर चलते हैं अपने चप्पल वप्पल उतार के। अब यहाँ से मेन एंट्रेंस, ये है गाइस निधिवन। ये सब गोपियाँ हैं जितने भी आपको पेड़ दिख रहे हैं, और इन पे ना एक और ख़ास बात है कि हर पेड़ पे ना हरा पत्ता ही होगा, सब पे हरा पत्ता होगा, कोई भी एक भी पत्ता ना सूखा नहीं होगा। और अब जैसे ही ना सूरज ढल जाएगा ये सारे पेड़ गोपियाँ बन जाएंगे रात को, और सुबह वापस जैसे सूरज आ जाएगा वापस जिस भी लास्ट मुद्रा में होंगी ना गोपियाँ, वो वापस वैसे ही पेड़ बन जाएंगी। तो यहाँ के पेड़ ना कभी सेम नहीं रहेंगे, चेंज होते रहेंगे। और दूसरी बात, इन्हें ना कोई देख भी नहीं सकता। जब ये सूरज ढल जाएगा और ये जब गोपियाँ बन जाएंगी, तो यहाँ पे ना आसपास से वो भी उड़ने बंद हो जाते हैं पंछी वगैरह, तो इंसान तो दूर की बात है कि कोई देख ले, और अगर किसी ने बाय चांस देख लिया तो ऐसा कहते हैं या तो वो अंधा हो जाता है, पागल हो जाता है, या फिर मर ही जाता है।
तो अभी पता नहीं है, लेकिन ये तो है कि आज तक कोई देख नहीं पाया है रात को यहाँ पे होता क्या है। बोलो वाके हरे राधे की, बोलो राधा रानी सरकार की, बोलो स्वामी जी महाराज की, बोलो जुगल जोड़ी सरकार की, बोलो वृंदावन हरे लाल की, राधे राधे बोलो माथा लगा। चलिए सेवा छोड़ते रहो, दान करते रहो अपने हाथों से हरे जी को, हरे जी स्वामी जी करते रहो, भी सुख शांति करो कृपया हरे जी को। दर्शन करने के बाद अब हम आए हैं प्रेम मंदिर देखने। इसको ना रात में देखने का ज्यादा फायदा है क्योंकि लाइटिंग वगैरह बहुत सही होती है यहाँ की। देखो ये एंट्री गेट है यहाँ का, सब कुछ बहुत सुंदर लगता है यहाँ पे रात को।
पूरा पूरा दोनों तरफ की रोडें जाम कर दी हैं, इतनी भीड़ है। तो यार हमारे ना दर्शन बहुत अच्छे से हो गए, हर जगह बहुत भीड़ थी लेकिन फिर भी हो गए। और अब हम वापस निकल रहे हैं अपने घर की तरफ। हमने 1000 से ज़्यादा किलोमीटर ट्रैवल किया है एक साइड, तो दोनों साइड 2000 से ज़्यादा बाय कार, तो इसलिए मज़ा तो बहुत आया, थक भी गए हैं। और अब हम यहाँ पे रुके हुए हैं थोड़ा सा टी ब्रेक के लिए, और यहाँ पे पंछी पेठा फेमस है तो वो ले रहे हैं पंछी पेठा। अब घर जाते हैं। तो यार आ गए हम घर, अब करते हैं थोड़ा सा आराम, बहुत थक गए हैं, बहुत ट्रैवल किया है और मज़ा भी बहुत किया है। आप तब तक के लिए, इससे पहले अगली वीडियो आए, कर दो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, और चैनल को कर दो थोड़ा सब्सक्राइब, और करवा दो दूसरों से भी।